Health Department. 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 हमारी मांग है पूरी करो, हमारी मांग है पूरी करो, हमारी मांग है पूरी करो, हेल्थ डिपार्टमेंट हाय हाय, हेल्थ डिपार्टमेंट हाय हाय, हमारी मांग है पूरी करो। हम क्या चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। लगभग 8 बजे के आसपास अब्दुल रशीद वल्द अब्दुल अजीज नामी एक शख्स यहाँ पे बीमार हो गए। उनको हार्ट की जो तकलीफ़ थी, तो घर के जो वर्सा हैं उन्होंने उनको उठाया और ले गए उनको सावजियां, PHC है पब्लिक हेल्थ सेंटर, वहाँ पे ले गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ना होने की वजह से उनको उसको प्राइवेट गाड़ी में मंडी की तरफ उसको ले जाना पड़ा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसकी जो है सांसें रास्ते में ही रुक गई। तो बड़े ही अफसोस के साथ मैं कहना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और हेल्थ डिपार्टमेंट से, क्या यहाँ पे एक ही डॉक्टर है? अगर वो कहीं चला जाता है छुट्टी पे, उसकी कोई घर की ज़रूरत है, कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, क्या यहाँ के लिए कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है? बड़े अफसोस की बात से, अफसोस से ये भी कहूँगा कि एक वैकेंसी यहाँ पे खाली पड़ी है डॉक्टर की, जिसको सुनने में आया है कि उस डॉक्टर को मंडी हॉस्पिटल में अटैच किया गया है। क्या वो रात को यहाँ नहीं आ सकता था? अगर अली मोहम्मद जो डॉक्टर यहाँ पे है छुट्टी पे था, किसी भी वजह से, किसी भी ज़ाती काम से वो मसरूफ़ था, किसी दूसरे डॉक्टर को डिपार्टमेंट ने यहाँ भेजना था। क्या यहाँ पे इंसान नहीं रहते? हर जगह हमारे सावजियाँ के साथ जो है नाइंसाफ़ी होती है। लिहाजा मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर इंतज़ामिया से, बिलखसूस CMO साहब से और BMO साहब से गुजारिश है कि यहाँ 24 घंटे डॉक्टर को अवेलेबल किया जाए, जो सरकारी दवाइयाँ हैं वो भी लोगों में तकसीम की जाएं टाइम टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि दवाई जो है वो बाहर लिख कर दे देते हैं डॉक्टर साहिबान, और अंदर की दवा जो है वो वहीं तरक जाती है, सड़ जाती है, फिर उसको नाले में फेंक दिया जाता है। लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी सरकारी दवाइयों का भी बंदोबस्त किया जाए, जो हॉस्पिटल में आती हैं उनको भी लोगों में तकसीम किया जाए, और यहाँ पे डॉक्टर को 24 घंटे दस्तियाब रखा जाए, और एम्बुलेंस की भी हमें ज़रूरत है, क्योंकि जो एम्बुलेंस यहाँ पे है वो गगड़िया में है, और हमें सावजियाँ के लिए अलग से एम्बुलेंस चाहिए, क्योंकि सावजियाँ की भी इस वक्त 2 पंचायतें हैं, लगभग छंबर भी इसके साथ टच है, लगभग ये काफ़ी बड़ा इलाका है, काफ़ी आबादी है यहाँ पे, हमें एम्बुलेंस की भी ज़रूरत है, और डॉक्टर साहिबान को भी यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल किया जाए। शुक्रिया जी। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल मजीद। क्या चाहना चाहते हैं आप? यहाँ रात को आज तकरीबन 8 बजे, यहाँ एक अब्दुल रशीद नाम से एक आदमी की डेथ हुई। यहाँ हम जब हॉस्पिटल में पहुँचे वहाँ डॉक्टर नहीं था, ना एम्बुलेंस थी, तो जब हम उसको वहाँ से जब तक हमने मंडी पहुँचाया तो उसकी डेथ हो चुकी थी तब तक। ये डॉक्टर की लापरवाही और हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से उसकी डेथ हुई। जी आपका नाम? मेरा नाम शबीर अहमद। क्या कहना चाहते हैं आज? मैं आपको ये कहना चाहता, पहले तो मीडिया वालों का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि अगर आप हमारी कोई भी मसला आगे चले जाए तो वो सबसे अच्छी बात है। पहले तो गरीब का कोई सुनता ही नहीं है। ये हमारा एक बड़ा भाई था यहाँ अब्दुल रशीद, जिसका नाम था अब्दुल अजीज साहब, यहाँ हाई सेकेंडरी के पास रहने वाला था। तो रात को क्या हुआ, रात को 7:30 बजे उसको थोड़ा दर्द हुआ छाती में, तो उसको हम